राधे राधे, ये वीडियो मैं प्लेसमेंट ऑस्ट्रेलिया से बना रहा हूँ और आज का वीडियो इससे पहले वाले वीडियो का दूसरा पार्ट है, मीन्स सिक्योरिटी जॉब स्टोरी पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा हुआ है तो आप वो देख लो और अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी थोड़ी स्टोरी बताऊंगा और एक और अपना देसी स्टूडेंट है उसकी स्टोरी बताऊंगा। सो दोनों मिलकर एक अच्छी स्टोरी आज बनाने का मेरा प्लान है, तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। सो स्टोरी ऐसी है कि मैं पिछले वीक में फ्राइडे सैटरडे संडे मेरी एक ही जगह पे 3 दिन शिफ्ट थी। मैं आज बात कर रहा हूँ अपनी फ्राइडे की शिफ्ट की, मीन्स लास्ट टू लास्ट फ्राइडे की शिफ्ट। तो वो शिफ्ट थी, मुझे सुबह से 11 बजे स्टार्ट करना था और रात के 1 बजे मेरी वो शिफ्ट खत्म होती। मीन्स टोटल 14 आवर्स, और वो जॉब थी सिटी साइड में। तो अब सिटी साइड में जाना है तो आपके पास दो ही प्रॉब्लम होगी, पहली प्रॉब्लम पार्किंग अगर आपके पास कार है तो, दूसरी प्रॉब्लम अगर आपके पास कार नहीं है तो आपको थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। थोड़ा चलना मतलब या तो वो 1 किलोमीटर हो सकता है या तो 3 किलोमीटर हो सकता है। और मैं खुद बताऊं तो जब मैं सिटी में रहता था तो मैं खुद मिनिमम और मैक्सिमम अगर ऑन एन एवरेज बताऊं तो कितनी बार मैं 5.5 से 6 किलोमीटर तक मैं खुद पैदल चला हूँ। लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि 6 किलोमीटर और 5 किलोमीटर चलना बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप जब यहाँ पे आओगे और जब आप यहाँ पे जॉब करोगे या स्टडी करोगे और सिटी में घूमोगे फिरोगे तो आपको 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर बहुत इजी लगने लगेगा। 11 बजे का मेरा रोस्टर था। रोस्टर मीन्स जैसे हम टाइम टेबल वर्ड सुनते हैं वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में जो टाइम टेबल होता है उसको यहाँ पे बोलते हैं रोस्टर। सो मेरा सुबह में 11 बजे से रात के 1 बजे तक का रोस्टर था। सो मैं वहाँ पे 10:30 को पहुंच गया। अब 10:30 को पहुंचने के लिए मुझे उससे पहले ही सिटी में इंटर होना है, वहाँ पे पार्किंग ढूंढनी है और फिर पार्क करके जहाँ भी पार्क मिले वहाँ पे फिर वहाँ से चलते हुए जाना है अपने सिक्योरिटी जॉब के लोकेशन पे, और वहाँ पे थोड़ी देर पहले पहुंचना है। वो पहले क्यों पहुंचना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और वो जिस लोकेशन पे जॉब थी उस लोकेशन पे ही मैं पिछले 8 या 9 महीने पहले उसी लोकेशन के पास रहता था। तो वो एरिया मेरे लिए बहुत यूज्ड था, तो मुझे पता था कि कहाँ पे फ्री पार्किंग होती है, कहाँ पे पार्किंग करूंगा तो मुझे आएगा फाइन और कहाँ पे मुझे मिलेगा पे पार्किंग। तो मैं गया बहुत कुछ आधा घंटा पहले मैं पहुंच गया वहां पे और आराम से फ्री पार्किंग में पार्क कर दी। और उसके बाद 10:30 को मैं मेन गेट पे पहुंच गया। आप कहीं पे भी यहाँ पे जॉब करने जाओगे तो आपको वहां का लोकेशन बताएंगे और साथ में आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिए होंगे कि आपको कौन से गेट नंबर से इंटर होना है। अगर बहुत बड़ा एरिया है तो उस एरिया में कम से कम 8, 10, 5, 6 ऐसे गेट्स होंगे, तो कौन से गेट से आपको इंटर होना है आपको पहले बताया जाएगा। अगर नहीं बताया जाएगा तो आपको पूछ लेना है, वरना आप गोल 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 घूमते रहोगे, उसी में आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप टाइम पे पहुंचोगे नहीं तो फिर आपको उसकी पेमेंट भी नहीं मिलेगी। सो मैं वहां पे 10:30 को एग्जैक्ट जिस गेट नंबर पे मुझे पहुंचना था उस गेट नंबर पे पहुंचा। वहां पे एक पहले से ही सिक्योरिटी एजेंसी का गार्ड था, और जो भी आपको गेट पे पहले गार्ड मिलेंगे वो ज्यादातर ऑजी होंगे। ऑजी मीन्स ऑस्ट्रेलियन पर्सन। अब ऑस्ट्रेलियन पर्सन ऐसे नहीं है कि वो गोरे हैं तो ही ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन में काले भी हो सकते हैं, सावली भी हो सकते हैं, गोरे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिनके पास PR हो या फिर यहाँ के सिटीजन हो और जिनकी इंग्लिश एक्सेंट यहाँ की गोरों जैसी हो, तो उसको उनको ही हम ज्यादातर ऑजी लोग एज ए कंसिडर करते हैं। वहां पे मैं पहुंचा, वहां पे मैंने अपना लाइसेंस दिखाया और उनको बोला कि मेरी आज की रोस्टर ये है और मुझे इस लोकेशन पे मुझे पहुंचना है। तो उसने बताया कि आप इधर जाओ, फिर अंदर मुड़ लेना, फिर लेफ्ट जाना, फिर सामने केबिन होगा, वहाँ पे आपको इंटर होना है, वहीं पे सिक्योरिटी की केबिन है। अब ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में पूछना है और वो आपको इंग्लिश में ही जवाब देगा। अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ पे आके जैसे मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में, वैसे आप हिंदी में पूछ रहे हो किसी से, तो वो नहीं होगा ऐसा। सो मैं वहाँ पे गया, अंदर केबिन में गया। अब अंदर में केबिन में जैसे ही इंटर हुआ वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स पहले से ही थे। वहाँ पे जाकर पहले मैंने अपना लाइसेंस दिखाया, फिर अपना रोस्टर बताया, फिर हमारे पास जो मैसेज में रोस्टर या टाइमिंग आती है वही टाइमिंग और मैसेज उनके पास भी होती है, तो वो उसे करते हैं मैच कि आप सही टाइम पे आए हो कि नहीं आए हो, पहले आए हो कि लेट आए हो। तो मेरा 11:30 को साइन इन करना था। साइन इन करना है मतलब यहाँ पे एक रजिस्टर होता है, उसे मैं आपको साइन इन करना है, लाइक अपना नाम लिखना है, अपना लाइसेंस नंबर लिखना है, वहाँ पे आपको एक आईडी मिलेगी उसका नाम उसका नंबर लिखना है, वहाँ पे आप कितने बजे जॉब स्टार्ट कर रहे हो वो लिखना है, साइन करनी है। और जब आप जॉब फिनिश करके आओगे उसी जगह पे वहाँ पे आपको फिर दोबारा से कौन से टाइम पे आपने फिनिश किया वो टाइम लिखना है और फिर साइन करनी है, फिर उसकी फोटो लेनी है और फिर आपको अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को भेज देना है अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हो तो। अदरवाइज अगर वहाँ पे कोई ऐप होगी तो अगर आपके सब कॉन्ट्रैक्टर या फिर आपके मीन्स आपको जिसके थ्रू वो जॉब मिली है उसने आपको ऐसा बोला हो कि आपको वहाँ पे साइन इन कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इस ऐप में ही साइन इन और साइन आउट करना है, तो आपको उसी ऐप में अपना पूरा काम कर लेना है। सो मैं वहाँ पहुंचा, मैंने अपना साइन इन कर लिया। अब साइन इन कैसे होती है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा नाम है, यहाँ पे मेरा लाइसेंस नंबर है, अब वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, और यहाँ पे है फ्राइडे और उसके नीचे है डेट, फिर यहाँ पे मुझे जो आईडी मिली थी वो है, उसके बाद मैंने कितने बजे टाइम
से स्टार्ट किया था वो टाइम यहाँ पे है, और फिर उसके बाजू में मेरी साइन है, और फिर मैंने कितने बजे खत्म किया है वो है, और फिर मेरी वहाँ पे साइन है। अब मुझे रात को खत्म करना था 1 बजे, बट मैंने खत्म किया 12:30 बजे, मीन्स आधा घंटा पहले। वो क्यों था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो मैं इसी वीडियो में लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब साइन इन करने के बाद आती है बारी यूनिफॉर्म की। तो अगर कोई कंपनी अपना यूनिफॉर्म देती है तो वही यूनिफॉर्म आपको वहाँ पे पहनना है, और अगर कोई यूनिफॉर्म वो कंपनी नहीं देती तो नॉर्मली आपको ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज, या तो व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट ब्लैक शूज, ये आपको पहन के घर से ही जाना है। लेकिन आपको पहले से ही कभी कभी बता देते हैं कि वहाँ पे आपको टी शर्ट मिलेगा, और कभी कभी नहीं भी बताते हैं तो भी अपने को ब्लैक और व्हाइट शर्ट पहन के जाने का, फिर वहाँ पे जाकर जो भी वहाँ के इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपको इजिली मीन्स फॉलो करने हैं। और वहाँ पे आपको एक अलग से सुपरवाइजर मिलेगा और एक अलग से वहाँ पे बॉस मिलेगा। बॉस मतलब जो मेन कंपनी का सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू जो हायर किए हुए पर्सन है, जो सभी गार्ड्स को हैंडल करेंगे, वो है बॉस। और बॉस अपने अंडर में जितने भी उनके गार्ड्स हैं उनको बोलेंगे कि बाहर से जो जितने भी गार्ड्स आए हैं उनको आपको ये बताना है कि कौन सा गार्ड किस लोकेशन पे होगा, कौन सा गार्ड को कब ब्रेक मिलेगी, कौन सा गार्ड को क्या ड्यूटी होगी, वो सब। सो एक टाइप का पूरा मतलब सिस्टमेटिक प्लानिंग उनके पहले से की होती है। हम तो सिर्फ वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे साइनिंग करते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, और फिर जो हमारा सुपरवाइजर होता है वो हमें बताता है कि आपको कौन सी जगह पे जाना है और वहाँ पे क्या आपकी ड्यूटीज है। सो साइन इन करने के बाद मैंने यूनिफॉर्म चेंज कर लिया, और फिर मैं वहाँ पे रेडी हो गया। एक पानी का बोतल अपने साथ रख लिया, लाइसेंस अपने साथ रख लिया। लाइसेंस आप कभी भी बैग में या कहीं पर भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर कभी कभी पुलिस आती है चेक करने, अगर आपके पास लाइसेंस आपके जेब में या फिर आपके पास फिजिकली नहीं मिला तो आपके ऊपर कम से कम $10,000 का फाइन डालेगी। और वो फाइन कोई मीन्स वो फाइन भरने में ना आपका सब कॉन्ट्रेक्टर हेल्प करेगा ना कोई एजेंसी हेल्प करेगी, वो आपको जेब से भरने पड़ेंगे। तो जितना नहीं कमाया 1 साल में या 6 महीने में उतना तो आपको फिर इंस्टॉलमेंट में भरना पड़ेगा वहां पे फाइन। तो ध्यान रखना कि कभी कभी कंपनियां बोलती हैं कि आप अपना फोन यहीं पे रख के जाओ, तो लोग यहाँ पे पर्स नहीं रखते, वो फोन के का जो कवर होता है उसके अंदर ही अपना लाइसेंस वगैरह रखते हैं। तो अगर आपको ये बोला जाए कि आप फोन रखते जाओ तो याद से उस फोन में से लाइसेंस निकाल के अपने जेब में रख लेना, फिर जाना जॉब पे। सो अब वहां से कहानी थोड़ा और आगे बढ़ती है। अब मुझे जैसे ही मैसेज मिला था कि मेरा ये रोस्टर है, इस लोकेशन पे जाना है और मेरी ये ड्यूटी होगी, तो आपको तो पहले से एक आइडियल मैसेज मिलता है। लेकिन आप जब जाओगे वहां पे तो वहां पे जो सुपरवाइजर होता है या फिर वहां पे जो बॉस होते हैं वो आपके ड्यूटी कभी भी चेंज कर सकते हैं। वो आप क्योंकि आप उनके अंडर में काम कर रहे हो तो उनको ज्यादा पता है कि कौन से गार्ड को कहाँ रखना है, और जिस लोकेशन पे आप काम कर रहे हो वहां पे कितने गार्ड्स की जरूरत है और क्या सही है क्या गलत है वो उनको ज्यादा पता है, हमसे ज्यादा उनको पता होता है। सो हमारा जो भी ड्यूटीज होती है वो वहां पे जाके चेंज हो जाती है, ये ध्यान रखना। सो मेरी मेरी ड्यूटी थी एज अ सिक्योरिटी कंट्रोल, बट वहां पे जाके मुझे इमरजेंसी गेट पे रखा। इमरजेंसी गेट नंबर 4 या 5 था, मीन्स अराउंड इमरजेंसी गेट नंबर 5 पे मुझे रखा। अब इमरजेंसी गेट्स क्या होते हैं, तो अगर वहाँ पे कोई इवेंट्स हो रहे हैं, कोई फेस्टिवल हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ अगर एम्बुलेंस की प्रॉब्लम हुई या फिर वहाँ पे आग लगी या फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके कारण पुलिस को आना है, एम्बुलेंस को आना है या फिर फायर ब्रिगेड को आना है, तो उनके लिए एक अलग से गेट बना रहता है। उसी गेट पे मुझे वहाँ पे रहना था, और सिर्फ स्टाफ मेंबर ही वहाँ से आएंगे और जाएंगे। कोई और पर्सन आया तो मुझे उनको रोकना है और उनको मना करना है, और जब भी इमरजेंसी गेट खोलनी है तो मुझे आएगा मैसेज और फिर मुझे इमरजेंसी गेट खोलकर रख देना है। फिर उसके बाद पुलिस हो, एम्बुलेंस हो या फिर फायर ब्रिगेड वाले हो, वो अपना काम करेंगे, मुझे उसमें कुछ भी काम नहीं करना। मेरी ड्यूटी थी सिर्फ इमरजेंसी गेट को ओपन करना, क्लोज करना, स्टाफ मेंबर्स को पूछ कर उनको आने देना जाने देना, स्टाफ मेंबर ना हो तो उनको वहीं पर रोक देना। अब आप ये पूछोगे कि इतने सारे भीड़ में मुझे कैसे पता चलेगा कौन स्टाफ है और कौन स्टाफ मेंबर नहीं है, तो आप कहीं पर भी यहाँ पे इवेंट वगैरह में जाओगे तो यहाँ पे लोग बैंड देते हैं, मीन्स अगर स्टाफ है तो उनके हाथ में अलग टाइप का बैंड होगा। सो मुझे पहले से बता दिया गया था कि इस टाइप का बैंड पहने हुए जो भी पर्सन आए उनको बिना पूछे हुए आने देना है जाने देना है। अगर इस टाइप के बैंड के अलावा कोई और टाइप का बैंड पहन कर आए तो उनको वहीं पर रोक देना, उनको सिर्फ इतना बोलना है कि इमरजेंसी गेट है, यहाँ पे लोकल पर्सन की एंट्री नहीं है, ओनली स्टाफ मेंबर को ही अलाउ करते हैं। अगर फिर भी वहां पे कोई पर्सन फोर्सफुली इंटर करने का ट्राई करता है या फिर कोई वहां पे सिक्योरिटी गार्ड से मिसबिहेव करता है या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम होती है, तो हमारे पास एक रेडियो दिया रहता है, उस रेडियो से आपको अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है। वो अपने साथ 3-4 और गार्ड्स को लेकर आएगा और उस पर्सन से डील करेगा, अपने को उसमें नहीं पड़ना। अब मैं आपको इस वीडियो में पूरी सिक्योरिटी गार्ड्स की क्या लिमिटेशन होती है, क्या लिमिटेशन नहीं होती, कब उसको फोर्सफुली काम करना है, कब उसको पोलाइटली बात करनी है, वो सब मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो मुझे इमरजेंसी गेट नंबर 5 पर रखा गया था, वहां पे मैं सुबह में 11 बजे से खड़ा था। 11 बजे से खड़ा करते करते 3 बज गए,
11 12 1 2 3 4 घंटे हो गए। 4 घंटे के बाद मुझे लगा कि मुझे ब्रेक चाहिए। हाँ, हालांकि आपको अगर आपके पास 10 घंटे की शिफ्ट हो या 12 घंटे की शिफ्ट हो तो आपको ऑफिशियली 45 मिनट से 1 घंटे के ब्रेक मिलती है। अब 45 मिनट से ब्रेक, या तो आप 15 15 15 तीन ब्रेक लो, या तो आप आधा घंटा और 15 मिनट ऐसे ब्रेक लो, आप पे डिपेंड है। अब मैंने तो बोल दिया आप पे डिपेंड है, क्योंकि मुझे भी सामने वाले, मतलब जिसने मुझे जॉब दी थी उसने मुझे ऐसे ही गोली खिलाई दी थी कि आपको ऐसे ब्रेक मिलेंगे। अब मैं वहां पे गया, अब तो मैं ऐसा सोचा था कि 4 घंटे हो गए तो अब तो मुझे ब्रेक चाहिए। अब मैंने अपने सुपरवाइजर को बोला कि भाई मुझे ब्रेक दो। अब सुपरवाइजर बोलता है कि अभी ब्रेक मैं किसी भी गार्ड्स को नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत है, गार्ड्स ऐसे भी कम है, तो अभी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, वेट करता हूँ। फिर 3 से हो गए 4, सुबह में 11 बजे से 4 बजे तक मैं वहां पे खड़ा था, धूप थी और मुझे एक भी ब्रेक नहीं मिला था। उसके बाद फिर मैंने रेडियो में बोला कि मुझे जाना है टॉयलेट और मुझे एक ब्रेक चाहिए। तो उसने बोला कि ठीक है, मुझे 10 मिनट दो, मैं कुछ अरेंज करता हूँ। फिर वो अपने साथ एक और गार्ड को लेकर आया, फिर उसको मेरी जगह पे रखा, फिर मुझे बोला कि आप जाओ और आ जाओ, जो भी आपको 1 नंबर या 2 नंबर करना है वो करके। फिर मैं गया अंदर, अंदर आराम से बैठा, थोड़ा पैर वैर मोड़े, 4 घंटे भाई, 4 5 घंटे खड़े खड़े धूप में तो प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि अगर आप सिक्योरिटी जॉब में हो तो आपको यहाँ बैठने को मिलेगा। जैसे आपने इंडिया में देखा होगा कि जो भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको बैठने के लिए चेयर मिलता है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मतलब खड़े रहने वाली जॉब होती है। अगर बैठने की जॉब मिली तो आपको उसमें पैसे कम, क्या बोलते हैं, डॉलर कम मिलेंगे। आप अगर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हो, वो भी नाइट शिफ्ट में, तो भी आपको बैठने वाली जॉब मिल सकती है। लेकिन बैठने वाली जॉब मतलब डॉलर कम, और खड़े रहने वाली जॉब मतलब डॉलर ज्यादा। पहली ब्रेक मुझे मिली 5 घंटे के बाद 15 मिनट की, उसमें मैं टॉयलेट गया, फिर उसके बाद मैं गया अपना खाना खाने, फिर वापस आया। उसके बाद मैं अपने उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, और उस टाइम पे जो गार्ड मेरी जगह पे था वो वापस अपनी जगह पे चला गया। और ये सारी चीजें रेडियो पे कम्युनिकेट होती है कि अगर किसी गार्ड को कुछ प्रॉब्लम हुई, या फिर कोई पर्सन किसी गार्ड के साथ हाथापाई करने लगा, या फिर कुछ मतलब किसी टाइप की कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हमें उसी रेडियो से कम्युनिकेट करना है। और आप जो भी बात कर रहे हो अपने सुपरवाइजर से, या फिर सुपरवाइजर किसी भी गार्ड से कुछ भी बात कर रहा है रेडियो पे, तो वो सारे गार्ड्स और वहाँ पे जो बॉस है सबको सुनाई देता है। इससे ये पता चलता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब स्टोरी आती है उस देसी बंदे की। मेरी पहली ब्रेक तो खत्म हो गई। अब फिर भी मैं वहां पे सुबह से शाम के 4 5 6 बज गए थे। अब मैंने सुपरवाइजर को बोला कि मेरी लोकेशन चेंज करो, ऐसी चीजें तो कोई सुपरवाइजर मानता नहीं है, लेकिन अगर अच्छा सुपरवाइजर है तो आपकी बात समझेगा और फिर मैक्सिमम ट्राई करेगा कि आपको उसका सोल्यूशन मिले। सो मैंने उसको बोला कि मेरा लोकेशन चेंज करो, तो वहां पे किसी और बंदे को भेजा और फिर मुझे बोला कि आप इस एरिया में एज अ मूवर जॉब करनी है। मूवर जॉब मतलब यहाँ पे जो भी इवेंट होते हैं या फिर फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें पीने पिलाने का तो होता ही। अगर कोई भी इवेंट और फेस्टिवल में पीने पिलाने का ना हो तो यहाँ पे लोग घर से बाहर किसी भी इवेंट और फेस्टिवल में जाए ही ना। वहाँ पे जितने भी पब थे, मुझे पब के साइड साइड में घूमना है कि कोई पीकर कुछ किसी से मिसबिहेव तो नहीं कर रहा, या फिर कुछ किसी से झगड़ा तो नहीं कर रहा, या फिर कोई पी के वहाँ पे लुढ़क तो नहीं गया, कोई सो तो नहीं रहा। यहाँ पे सोने नहीं देना किसी को, सो रहा है उठाओ उसको, बोले कि बाहर जाए। अगर नहीं बाहर जाता तो आपको रेडियो से अपने सुपरवाइजर के साथ कम्युनिकेट करना है और बताना कि बंदा यहाँ पे सो रहा है, या फिर कोई किसी से मिसबिहेव कर रहा है, या फिर यहाँ पे हो गई है फाइट, तो वो अपने बंदों को लेकर आएगा, मतलब 3 4 और गार्ड को लेकर आएगा, फिर वो उसके साथ डील करेगा, अपने को उसमें जाने का नहीं होता। सो उसी जगह पे घूमते 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 मुझे एक मिला वहाँ पे देसी बंदा। अब वो देसी बंदे को कहाँ पर रखा था, तो टॉयलेट के पास। आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वो बहुत बड़ा एरिया होता है, और इतने सारे बड़े एरिया में एक जगह पे टॉयलेट नहीं होते, कम से कम 2 या 3 जगह पे टॉयलेट का लोकेशन रहता है। और मुझे घूमना था पूरे एरिया के बीच में, तो वहाँ पे कॉर्नर में एक टॉयलेट का सेक्शन था, वहां पे एक गार्ड को रखा था, वो गार्ड था देसी। वो गार्ड को वहां पे क्यों रखा गया था कि वहां पे जेंट्स टॉयलेट थे, लेडीज टॉयलेट थी, तो अंदर में जाकर कुछ गड़बड़ ना हो, या फिर अंदर में जाकर कोई सिगरेट ना पी रहा हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें जो कि यहाँ के लॉ के हिसाब से इलीगल है, उसको हमें रोकना है। सो वहां पे वो खड़ा था। तो अब शाम भी होने वाली थी और चलते चलते थोड़ा थक भी गया था, तो मैंने सोचा चलो उसे थोड़ा सा रुक के बात कर लेता हूँ। तो मैं बात ही करने जा रहा था, जैसे मैं उसकी तरफ जा रहा था, उससे पहले से उसने मुझे अपनी तरफ बुला लिया। मैंने बोला चलो अच्छा है, तो मैं आ गया। और फिर उसने उससे बात की, मतलब अपन जब देसी मिलेंगे तो हिंदी में बात करेंगे। हाँ, सिर्फ देसियों की बात कर रहा हूँ, बट कुछ ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि सामने वाला भी देसी है, सामने वाले को भी हिंदी गुजराती पंजाबी आती है, बट वो स्टार्ट तो इंग्लिश से ही करता है, पता नहीं ऐसा क्यों। और उसमें हमें लगता है कि ये तो बंदा अपने जैसा है तो अपनी कंट्री का होगा, लेकिन वो किसी और कंट्री के भी होते हैं और उनको हिंदी हिंदी गुजराती मराठी तेलुगु वगैरह नहीं आती, उनको सिर्फ इंग्लिश आती है या फिर उनकी अपनी मदर टंग होती है, तो मैं पहले पूछना पड़ता है। तो अभी जिस बंदे की बात कर रहा हूँ, वो बंदे ने मुझे सामने से बुला लिया, तो मैं गया। तो उसने सबसे पहला वर्ड, मतलब पहला सेंटेंस क्या बोला,
भाई यहाँ पे ब्रेक मिलती है कि नहीं मिलती, मतलब उसका टोन थोड़ा अलग था, तो मैंने बोला कि ब्रेक तो मिलती है लेकिन आपको नहीं मिली। हालांकि वो मेरे मेज से बहुत छोटा था, लेकिन मैंने अब अपनी आदत है सबको थोड़ा रिस्पेक्ट देने की, तो थोड़ी रिस्पेक्ट से बात की मैंने उससे। फिर मैंने बोला कि मुझे तो ब्रेक मिली है, आपको ब्रेक नहीं मिली तो आपको अपने सुपरवाइजर से बोलना है, तो वो आपको देगा ब्रेक। वो बंदे को आ गया गुस्सा, वो गुस्से में जो भी चीज़ वो एक्सप्लेन कर रहा था अपनी प्रॉब्लम, उसमें 60% तो सिर्फ गालियां थी, 40% उसके मेन प्रॉब्लम थे जो मुझे समझ में आ रहे थे। तो उसकी प्रॉब्लम ये थी, तो उसकी सुबह से 11 बजे से वो भी बंदा खड़ा था वहीं पे, और रात के 8-9 बज चुके थे, उसको एक भी ब्रेक अभी तक नहीं मिली थी। तो सोचो कि वो बंदे का फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पे होगा। और उसका दूसरा रीजन था कि वो ये पूछ रहा था कि भाई यहाँ पे बैठने के लिए ये कुर्सी भी नहीं देते। तब मुझे पूरी स्टोरी समझ में आ गई। पहला उसका जो प्रॉब्लम थी कि ब्रेक नहीं मिली, ये नॉर्मल, यहाँ पे जब आप सिक्योरिटी के जॉब में जाओगे, जब बहुत बड़ा क्राउड होगा और गार्ड्स कम होंगे, तो आपको ब्रेक मिलेगी नहीं मिलेगी वो आप भूल ही जाना। मेरे साथ बहुत बार पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम तो नॉर्मल है। लेकिन जब उसने अपनी दूसरी प्रॉब्लम बताई ना कि यहाँ पे भाई बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिलती, तब मैं समझ गया कि बंदा ये नया है। लेकिन अब उसको ऐसा तो बोल नहीं सकता कि अभी भी आया है, तुम्हें को ये चाहिए वो चाहिए फलाने ठिकाना। मैंने बोला कि अभी तक कितनी सिक्योरिटी की जॉब की है, तो बोलता है ये मेरी तीसरी शिफ्ट है, तो इससे पहले कहाँ की थी, तो इससे पहले मैं तो नाइट शिफ्ट में की है कंस्ट्रक्शन पे, वहां पे तो आराम से बैठता था, लेटता था, सोता था, मोबाइल वगैरह सब देखता था। तो मैं समझ गया कि बंदा नया है बिल्कुल, इसको अभी ज्यादा पता है नहीं। और तब मुझे याद आ रही थी अपनी स्टोरी कि जब मैं नया था उस टाइम पे मैं भी ऐसा सोचता था कि यहाँ पे बैठने के लिए नहीं देते यार, यहाँ पे टाइम पे ब्रेक नहीं देते, अगर टॉयलेट जाना हो तो वही पूछ के जाओ, जैसे हम स्कूल में जाते थे कि मैम और सर मैं गो टू टॉयलेट, ऐसा वैसा क्या है ये। और यहाँ पे कमाने हैं हमें डॉलर, तो हमें यहीं के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो ये वीडियोस खासकर उनके लिए है जो ये सोचते हैं कि यहाँ पे जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा चले जाओ, तो वहाँ पे तो बहुत इजीली पैसे बनते हैं, या फिर बंदा डॉलर छाप रहा है या पैरों से तोड़ रहा है, अगर तोड़ भी नहीं रहा तो जो गिरे हुए हैं डॉलर वही उठा उठा के हमें इंडिया भेज दे, या फिर मतलब जो जिस कंट्री का है वो अपनी कंट्री में भेज दे। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं होता ऐसा। मुझे तो 5 घंटे में ब्रेक मिल गई थी, उस बंदे को देखो जो अभी नया नया आया है, और उसको सुबह में 11 बजे से रात के 8:30-9 बज चुके हैं, तो उसको एक ब्रेक तक नहीं मिली थी। सोचो उसका उसका गुस्सा किस लेवल पे होगा। तो वो बातें मतलब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स कम बता रहा था, गालियां ज्यादा दे रहा था। फिर मैंने उसको बोला कि देख भाई तेरे को ऐसे ब्रेक नहीं मिलेगी, तो तेरे को ये बोलना है कि तेरे को लगी है भूख, क्योंकि अगर तू ये बोलता है कि तेरे को जाना है टॉयलेट, तो तू तो यहीं पे बाजू में, तो बोलता है तू जाके आओ। लेकिन अब तेरे को ये बोलना है कि तेरे को लगी है भूख और तेरे को एक ब्रेक भी नहीं मिली है। फिर उसने अपने सुपरवाइजर को बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे ब्रेक चाहिए। अब सुपरवाइजर को उसकी चीज ही समझ में ना आए कि वो क्या बोल रहा है। पहला रीजन ये होता है कि जब हम नए नए आते हैं तो हम पूरी इंग्लिश ग्रामर के साथ बोलते हैं, और यहाँ पे जो ऑजी पर्सन होते हैं, मिस ऑस्ट्रेलियन पर्सन होते हैं, वो ग्रामर को इधर और इंग्लिश को इधर रखकर ये सीधा बात करते हैं। तो अपने को आदत हो गई कि मुझे सामने वाले से क्या पूछना है या सामने वाले क्या बताना है, तो कौन सा वर्ड और कौन सा सेंटेंस बोले तो सामने वाला इजिली मुझे समझ पाए या फिर अपनी चीज मुझे समझा पाए। अब वो बंदा है नया, उसको नहीं पता कि क्या चीज कैसे कैसे बोलनी है। फिर मैंने उससे माइक ली और मैंने उसका नाम लेकर बोला कि मैं ये हूँ, इस लोकेशन पे हूँ, और मुझे एक भी ब्रेक नहीं मिली है और फिर मुझे लगी है भूख। फिर सामने वाले ने बोला, मतलब जो सुपरवाइजर है, उसने बोला कि वहां पे जो भी रोवर है वो वहां पे पहुंचे उस लोकेशन पे, और वो जो पर्सन है उसको 15 मिनट के लिए ब्रेक दे दे। तो वहां पे रोवर में मैं भी था और भी 2-3 लोग थे, तो मैं अपना रेडियो लिया और उसमें मैंने रेडियो को थोड़ा दूर करके उसको बोला कि ओके कॉपी, मतलब यहाँ पे जो भी मैं सिक्योरिटी में कोड वर्ड चलते हैं या फिर जो भी नॉर्मल वर्ड चलते हैं उसी से मैंने उसको रिप्लाई दिया। फिर मैं उसकी जगह पे खड़ा हो गया, वो बंदा गया और 15-20 मिनट का ब्रेक लेके आया। जब लेकर आया तो चेहरे पे तो स्माइल थी लेकिन मुंह में गालियां ही थी। वो भी किसके लिए, जो सुपरवाइजर है या फिर जो उसका कॉन्ट्रैक्टर है जिसने उसको भेजा था, क्योंकि उसको ये बोला गया था कि इतने ब्रेक मिलेंगे, आराम से जॉब होगी, अच्छे डॉलर बनेंगे, बस तुम्हारी फीस निकल जाएगी, ऐसा वैसा हो जाएगा, बट यहाँ पे तो कुछ और ही उसके साथ हुआ। सो हम जहां से आए हैं और जहां पे अभी हैं, दोनों जगह पे काम करना, पैसे कमाना, सेविंग करना, फीस भरना, स्ट्रगल करना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो जब यहाँ पे लोग आते हैं, जब झेलते हैं, तभी पता चलता है। मेरे वीडियो बनाने से या फिर किसी और के वीडियो बनाने से लोगों को सिर्फ कहानियां सुनने में अच्छी लगती है, और वो जब तक फील ना हो ना तब तक इंसान समझ ही नहीं पाता कि डॉलर कमाना या फिर इंडिया में रहकर भी इंडिया इंडियन रुपीस कमाना कितना बड़ा काम है। फिर 1 घंटे हुए, 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, 4 घंटे हुए, और फिर मैंने अपनी दूसरी ब्रेक ली रात के 10 बजे, क्योंकि मैं काम वहाँ पे अच्छा कर रहा था या फिर सुपरवाइजर की नज़र मुझ पर बार बार आ रही थी, या फिर हम दोनों इंटरेक्ट हो रहे थे भीड़ में, तो कभी कॉर्नर पे, तो कभी इधर से, कभी उधर से, तो उसको लगा था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं
ना वहाँ पे मोबाइल यूज कर रहा था, और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं तुरंत सुपरवाइजर को रेडियो के थ्रू बुलाकर उसकी हेल्प उसके थ्रू करवा देता था। तो शायद उसके बेस पे सुपरवाइजर ने मुझे दूसरी ब्रेक दे दी। सो दूसरी ब्रेक भी मेरी 15 मिनट की ही मिली, तो उसमें जाकर मैंने जो भी मेरे पास बचा था खाना या जो भी चिप्स वगैरह थे वो मैंने फटाफट खाया, पानी पिया, और फिर पानी की बोतल भर के वापस आ गए, अपना जो जॉब थी वो स्टार्ट हो गई। लेकिन उस बंदे को दोबारा कोई ब्रेक नहीं मिली। अब उस बंदे को दोबारा ब्रेक न मिलने का कारण भी एक ही है कि वो बंदा पहली बार नया आया है और उसको नहीं पता कि ब्रेक कैसे मांगनी है। दूसरा कि मैंने उसको 3 से 4 बार देखा कि वहां पे खड़े खड़े वो मोबाइल यूज कर रहा था। अब मोबाइल यूज करना यहाँ पे सही नहीं होता अगर आप जॉब पे हो, लेकिन सुपरवाइजर आपको बोलेगा, कभी कभी सुपरवाइजर आपको इग्नोर करेगा, और कभी कभी अगर गार्ड्स कम हो तो सुपरवाइजर आपको झेलेगा कि अभी गार्ड्स है नहीं, इसको भी अगर मैंने वापस भेज दिया तो फिर यहाँ की जॉब कौन करेगा। तो उसको मैंने कम से कम 3 से 4 बार देखा कि वो मोबाइल यूज कर रहा है, तो उसको एक ब्रेक मिल गई, दूसरे ब्रेक शायद उसने मांगा नहीं होगा या फिर किसी ने उसको मांगने पर भी दी नहीं होगी। तो मैं जब भी वहां से क्रॉस करता वो बंदा अपना प्रवचन अपना भाषण स्टार्ट कर देता। मैं समझ गया कि अब इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, इस बंदे की इस टाइप के लोकेशन में पहली जॉब है, अभी 4, 5, 6, 8 जॉब और करेगा ऑस्ट्रेलिया में, तो उसको समझ में आ जाएगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब आप ऑन ड्यूटी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में हो। तो ऐसे करते करते 12 बजे पूरे इवेंट खत्म हो गई। अब इवेंट खत्म होने के बाद भी हमारी छुट्टी नहीं होती, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे लोग इतने पिए रहते हैं, खाते कम है पीते ज्यादा है, कि जो नॉर्मल अच्छे माइंड वाले होते हैं वो तो पीते पीते आराम से घर चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो वहीं पे परे होते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि अगर जो इवेंट 12 बजे खत्म हो गए तो सबको उठा उठा के या फिर सबको बोल बोल के उनको बोले कि घर जाओ लात मारो उनको निकाल दो, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। अगर उनके हाथ में ड्रिंक है और वो मतलब ग्लास है, ग्लास में ड्रिंक है, और वो ड्रिंक उनको बाहर लेके नहीं जाना, मीन्स वो जो वेन्यू है वो जो गेट है उनके लिए मेन एंट्री गेट है, वहां से वो ग्लास लेके जा सकते हैं। ग्लास के अंदर अल्कोहल बाहर में अलाउ नहीं होता, क्योंकि जिस एरिया में वो इवेंट और फेस्टिवल चल रहे होते हैं उसकी लाइसेंस लेनी पड़ती है, और सिर्फ उतने एरिया में ही अल्कोहल अलाउ है, उससे बाहर नहीं। तो हमें 12 बजे जब शिफ्ट खत्म मतलब वहां पे इवेंट खत्म हो गई, तो कुछ गार्ड्स को गेट पर रखा गया कि जब लोग निकले तो उनका ये देखना है कि उनका ग्लास खाली है नहीं, ग्लास खाली नहीं है तो उनको बोले कि यहाँ पे गिराओ, या तो जाके बिन में डालो, और ग्लास ले जाना है तो ग्लास ले जाओ, लेकिन ग्लास के अंदर वाइन या किसी किसी टाइप के अल्कोहल बियर नहीं होना चाहिए। अब जो लोग गेट से बाहर जा रहे थे 12 बजे के बाद, अपने आप उनका सिर्फ ये चेक करना था कि ग्लास खाली है या नहीं, लेकिन जो लोग अंदर ही बैठे थे और धीरे धीरे चाय की तरह वो पी रहे थे, उनको सिर्फ हमें ये बोलना है कि आप जल्दी खत्म करो और आप यहाँ से मूव हो, लेकिन हमको फोर्सफुली बोल नहीं सकते कि आप तुरंत खत्म करो या फेंक दो या निकल जाओ, क्योंकि एक तो वो लोग उन लोगों ने पिया हुआ है, और फॉर उनकी सेफ्टी के लिए अगर उनके कि अगर उन्होंने ज्यादा पिया हुआ है तो हम उनको धक्का दे नहीं सकते। तो जब तक वो अपना ग्लास खुद खाली ना कर दे पीते हुए, तब तक हमें वहां पे रुकना है, और वो लोग भी वहां पे रुकेंगे। तो ये सब प्रोसेस में ना कभी कभी 12:10, 12:20, 12:30 भी हो जाते हैं। अगर कोई पर्सन फोर्सफुली वहां से नहीं जाना चाहता तब हमें सुपरवाइजर को बताना पड़ता है, सुपरवाइजर बुलाएगा पुलिस को, जो वहां पे होती है हमेशा, पुलिस आएगी, और पुलिस के आते ही वो बंदा नॉर्मल होकर, या बंदा या बंदी, ऐसा मत सोचना कि मैं बंदा बोल रहा हूँ, तो बंदे यहाँ पे ऐसा करते हैं, बंदियां भी ऐसा करती हैं। सो यहाँ पे तो ऐसा इस टाइप का कल्चर है। सो जब पुलिस आएगी तो बंदा या बंदी ग्लास उठाएंगे और वहां से उठेंगे और फिर धीरे 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 मेन गेट तक जाएंगे। अब वहां पे भी होगा गार्ड, वो गार्ड बोलेगा कि आपको ये यहीं पे खत्म करना है या तो आपको यहाँ पे फेंक के जाना है। अब वहां पर भी कोई बवाल ना हो इसलिए वहां पर भी एक होगी पुलिस, वो पुलिस भी आपको वही चीज बोलेगी जो उसने गार्ड ने बोला, बट गार्ड की बात वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, लेकिन जब पुलिस बोलेगी तो एज ए लॉ उनको बात माननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के लोग नशे में भी अपना अधिकार अपना नियम कानून जानते हैं कि किससे उनको उलझना है और किससे उनको नहीं उलझना। तो वहां पे खड़े होंगे, धीरे 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 पी लेंगे और फिर वो धीरे धीरे जाएंगे। ये सारी प्रोसेस में कभी कभी 12, 12:30, 1 भी बज जाता है, लेकिन उस फ्राइडे के दिन आधे घंटे में पूरी पूरी चीजें मतलब पूरा वेन्यू हम लोगों ने खाली करा दिया, और खाली कराने के बाद फिर मैं गया अपने उसी सिक्योरिटी के केबिन में जहाँ पे मुझे दोबारा से साइन आउट करना था। तो मेरे शिफ्ट थी 1 बजे खत्म होने की, लेकिन अब वहाँ पे कोई काम ही नहीं था, तो सुपरवाइजर ने बोला कि जितने भी लोग 1 बजे की जिनका रोस्टर था वो जाकर अभी 12:30 को साइन आउट कर ले। लेकिन 12:30 को भी मेरी शिफ्ट खत्म नहीं हुई थी, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई थी 12:20 को। अब 12:20 को अगर मैं जाऊं तो फिर मुझे पेमेंट मिलेगा 12:15 की। अब वो कैलकुलेशंस क्या होता है वो मैं कभी और बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सुपरवाइजर से मैंने पूछा कि अभी 12:20 हो रहे हैं तो मुझे 12:15 की साइन आउट करनी है या फिर 12:30 की, तो उसने बोला कि 12:30 का कर दो। तो हम जितने भी गार्ड थे सबने वहाँ पे 12:30 का साइन आउट किया और फिर अपने अपने घर चले गए। ये स्टोरी बस आज के लिए इतना ही। बस इस स्टोरी में मेन क्या था कि अगर आप सिक्योरिटी जॉब कर रहे हो तो आपको अपने टाइम से पहले वहां पहुंचना है, साइन इन करनी है, यूनिफॉर्म लेना है। हाँ, यूनिफॉर्म आप या तो
वाशरूम में जाकर चेंज करो, या फिर वहां पे एक चेंजिंग रूम है तो उसमें चेंज करो, या तो आप ऐसी जगह पे या फिर किसी कोने में चले जाओ जहाँ पे कोई ना आपको देख रहा है ना आप किसी को देख रहे हो, वहां पे आप ऊपर का मतलब मीन्स आपको सिर्फ ऊपर का टी शर्ट ही चेंज करना होता है, आप उसको कहीं पे भी चेंज कर सकते हो। यहाँ तक गोरे होते हैं वो तो उसी केबिन में अपना टी शर्ट चेंज कर लेते हैं, या फिर रोड पे भी अपने ये कपड़े चेंज कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ मेरी जाति के लोग, जो हमसे दूसरी जाति के लोग हैं उनके लिए अलग से लेडीज रूम या फिर वॉशरूम होता है, वहां पर जाकर वो लोग आराम से चेंज कर लेते हैं। ओवरऑल आपको ये स्टोरी में उस बंदे की स्टोरी पता चली कि यहाँ पे ब्रेक्स का क्या प्रॉब्लम होती है, मैंने अपनी स्टोरी बता दी। सो आइडियली 45 मिनट्स का ब्रेक्स और 1 घंटे तक ब्रेक मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे काम कर रहे हो, कितनी भीड़ है, कितने गार्ड से, आपका सुपरवाइजर कैसा है, और आप सुपरवाइजर के साथ किस तरीके से आपकी ट्रेनिंग फिट होती है, आप कितने स्ट्रांग हो कि आप एक ही जगह पे 5 घंटे 6 घंटे खड़े रह सकते हो वो भी धूप में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ चुके हो या फिर आने वाले हो और यहाँ पे आकर आप एज अ पार्ट टाइम या फुल टाइम में सिक्योरिटी जॉब करना चाहते हो तो ये वीडियो या फिर इससे पहले का वीडियो या फिर इसके आगे वाले वीडियोस में मैं इस टाइप के छोटे छोटे स्टोरीज एक लंबे वीडियो या छोटे वीडियो में स्प्लिंग करने का ट्राई करूंगा, लेकिन हर टाइप के वीडियो में आपको किसी न किसी गार्ड्स की स्टोरी के बारे में जरूर बताऊंगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।